Hello, my sweetest friends. How have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों. कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमको इंग्लिश आती होती है, फिर भी हम कुछ खास सेंटेंसेज नहीं बोल पाते. कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेज हम नहीं बोल पाते. हम उनको इसलिए नहीं बोल पाते कि उन सेंटेंसेज में कोई ऐसा वर्ब होता है या कोई ऐसा वर्ड होता है जिसकी मीनिंग हमको इंग्लिश में नहीं आती होती. जैसे छुपना को तो बोलते हैं हाइड, का मतलब है छुपना, लेकिन छुपाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में. ऐसे ही बैठने का मतलब तो होता है सेट, लेकिन बिठाने को क्या बोलते हैं. अगर बोलना हो इंग्लिश में मैंने उसे सोफे पर बिठाया, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. तो दोस्तों आज हम ऐसे ही कुछ वर्ड सीखने वाले हैं कि छुपना और छुपाना, बैठना और बिठाना, जल्दी जल्दी जाना और किसी को जल्दी जल्दी ले कर जाना, चलवाना. तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल की क्लास है, क्योंकि आपको आज के जो वर्ड्स हैं उनको सीखने के बाद इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेल्प मिलेगी. इसीलिए आपको ध्यान से एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए. तो आज जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, वो है सेम वर्ब्स विद डिफरेंट मीनिंग्स. सेम वर्ब्स, एक ही ऐसा वर्ब होगा जिसकी दो अलग अलग मीनिंग होगी. तो दोस्तों और ये कैसे होता है, एक बार वर्ब का ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा, एक बार वर्ब का इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा. तो समझते हैं, अभी मैं आपको सारी बात बताता हूँ. तो पहला जो वर्ड है दोस्तों वो है हाइड, HIDE. हाइड का मतलब होता है छुपना. ये तो हम सभी जानते ही हैं, बचपन में हमको सिखा दिया जाता है कि हाइड का मीनिंग होता है छुपना. तो छुपने के सेंस में एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. तो पहला सेंटेंस है ही हिड अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे छुप गया. हिड जो है दोस्तों ये हाइड का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है. हाइड, हिड, हिडन, हाइडिंग, हाइड्स, ये हाइड के पांचों रूप हैं. तो यहाँ तक तो बहुत आसान है कि वो टेबल के नीचे छुप गया, ही हिड अंडर द टेबल. लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हाइड का मीनिंग छुपाना भी होता है. इसको कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे, तो अब कह रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि आई हिड हिम अंडर द टेबल, मैंने उसे टेबल के नीचे छुपा दिया. आई हिड हिम अंडर द टेबल, मैंने उसे टेबल के नीचे छुपाया. तो छुपना और छुपाना दोनों ही मीनिंग है इसकी. अच्छा, मैंने जो आपसे कहा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए. तो ये सारे वर्ब्स जो आज हम सीखेंगे ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब के भी रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं. जैसे ये जो पहला एग्जाम्पल है ही हिड अंडर द टेबल, इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, हिड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. लेकिन इसी का जो दूसरा मीनिंग है छुपाना, उसमें हिट के बाद हिम एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है. तो पहले सेंटेंस में ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, दूसरे सेंटेंस में ये ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है. तो हमको ये भी चीज़ें सीखनी चाहिए. खैर, हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं. तो छुपना और छुपाना हाइड की दोनों ही मीनिंग है. उसके बाद दोस्तों वॉक. अब वॉक का मीनिंग होता है चलना या टहलना, घूमना, अलग अलग तरीक़ों से बोलते लोग इसको हिंदी में. तो ये मीनिंग तो हम सभी जानते हैं. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे शी वॉज वॉकिंग ब्रिस्कली. ब्रिस्कली का मतलब होता है तेज़ी से, जैसे क्विकली जैसे बोलते हैं ना फास्ट, वैसे ही. तो शी वॉज वॉकिंग ब्रिस्कली, वो तेज़ी से चल रही थी. यहाँ तक तो आसान है, लेकिन इसी का मीनिंग चलाना भी होता है. कैसे, आई वॉक्ड हिम टू माई डोर, मैं उसको अपने दरवाजे तक चलाते हुए ले गया, यानी कि साथ में ले गया. मैं उसके साथ चल रहा था, मैं उसको चलाते हुए ले गया. अच्छा दोस्तों, ये कुत्ते को घुमाते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है. आई वॉक्ड द डॉग, मैंने कुत्ते को घुमाया, चलाया, घुमाया, टहलाया, जैसे भी हिंदी में बोलना चाहते हो. तो वॉक का मीनिंग दोस्तों चलना भी और चलाना भी है. जैसे कोई किसी से कह सकता है चलाने के सेंस में कि कैन यू वॉक माई डॉग प्लीज़, क्या आप मेरे कुत्ते को थोड़ा सा घुमा दोगे, चला दोगे, टहला दोगे. तो आप समझ गए, चलना और चलाना दोनों ही वॉक की मीनिंग होती है. अब इसमें शी वॉज वॉकिंग ब्रिस्कली, इसमें वॉक इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ, कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है. लेकिन आई वॉक्ड हिम टू माई डोर, इसमें हिम ऑब्जेक्ट है, इसीलिए दूसरे सेंटेंस में वॉक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है. अच्छा दोस्तों, उसके बाद आते हैं अगले वर्ड पर. अगला वर्ड है सिट, का मतलब होता है बैठना. बड़ा आसान है, हम बचपन में सीख लेते हैं. सिट का मतलब बैठना, रन का मतलब दौड़ना. तो सिट का मीनिंग है बैठना. और एक एग्जाम्पल बना, ही सैट ऑन द सोफा, वो सोफे पर बैठा. अच्छा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर सैट, सिट का पास्ट टेंस है, सैट सेकंड फॉर्म है, इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ. लेकिन दोस्तों इसी का मीनिंग, दूसरी मीनिंग होती है इसकी, बिठाना. मैंने उसे बिठाया, सोफे पर बिठाया, बेड पर बिठाया, कुर्सी पर बिठाया से बोलते हैं.
तो उसका एग्जाम्पल दोस्तों आई सैट हिम डाउन भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, आई सैट हिम डाउन या आई सैट हिम ऑन द सोफा, मैंने उसे सोफे पर बिठाया। यहाँ दोस्तों सैट के साथ हिम का इस्तेमाल हुआ जो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए दूसरे सेंटेंस में सैट यानी कि जो सिट का पास्ट टेंस है सेकेंड फॉर्म है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ। अच्छा उसके बाद दोस्तों हरी, हरी का मतलब है तेज़ी से चलना, कहीं तेज़ी से जाते हैं हम, जल्दी जल्दी जाते हैं, जब ऑफिस के लिए देर हो रही है, क्लास के लिए देर हो रही है तो हम जल्दी जल्दी जाते हैं, वो इसका मीन तेज़ी से चलना, तेज़ी से चलना यानी तेज़ी से जाना। एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे, आई हरीड, कोई कह रहा है आई हरीड टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ तेज़ी से गया, तेज़ी से चलते हुए गया, आई हरीड टू द डोर। इस सेंटेंस में भी हरीड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेंटेंस में हरीड एक इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं। लेकिन दूसरा, इसकी दूसरी जो मीनिंग है वो है तेज़ी से चलाना, यानी किसी को तेज़ी से ले जाना चलाते हुए, उस सेंस में। तो तेज़ी से, अच्छा ये जो तेज़ी से चलाना है ये गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए नहीं है कि गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उसके लिए नहीं है, कार चला रहे हैं, किसी आदमी को चलाना पैदल, वो मीनिंग है इसका। तो उसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा दोस्तों, आई हरीड हिम टू द डोर, किसी ने कहा कि आई हरीड हिम टू द डोर, मैं उसको दरवाजे की तरफ तेज़ी से चलाते हुए ले गया। फिल कॉलिंस, एक गुजरे हुए ज़माने के एक बहुत बड़े सिंगर हैं फिल कॉलिंस, उनका एक सॉन्ग है यू कांट हरी लव यू जस्ट हैव टू वेट, यू कांट हरी लव, यानी आप प्यार को जल्दी जल्दी नहीं आगे बढ़ा सकते, अगर आपको प्यार हो गया है किसी से तो आप प्यार में जल्दबाजी नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने गाना गाया, यू कांट हरी लव। अगर आप इंग्लिश गाने सुनेंगे तो आपको वर्ड्स की बहुत सारी मीनिंग और उसको यूज़ कैसे करते हैं, उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं, इसकी आपको बड़ी समझ हो जाएगी बड़ी तेज़ी से। इंग्लिश में फिल्म्स ज़रूर देखनी चाहिए, इंग्लिश फिल्म्स और इंग्लिश गाने ज़रूर आपको सुनने चाहिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन हेल्प तब मिलेगी जब आप ग्रामर और वोकैबुलरी की पढ़ाई भी कर रहे हैं तब। अगर कोई सिर्फ गाने और फिल्म देख के चाहे कि मैं इंग्लिश सीख लूँ और पढ़ाई ना करूँ तो मुश्किल है सीखना। तो दोस्तों हरी की भी दो मीनिंग है, तेज़ी से चलना और तेज़ी से चलाना। पहले सेंटेंस में हरी इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ क्योंकि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरे सेंटेंस में आई हरीड हिम में हिम ऑब्जेक्ट है, तो दूसरे सेंटेंस में हरी जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा ये कैसे ड्यूअल यूज़ वाले, डबल यूज़ वाले वर्ड्स हैं, और इनको सीख करके हम बड़ी आसानी से जब भी बोलना हो मैंने उसे बिठाया, मैंने उसे चलाया, मैंने उसे छुपा दिया, तो हम बड़ी आसानी से इन बातों को बोल सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में मैं आपको फिर इसी तरह से कोई कुछ यूज़फुल वर्ड्स बताने की कोशिश करूँगा मीनिंग के साथ, जिससे कि आपको इंग्लिश बोलने में आसानी हो। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, और अगर तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियो काफ़ी लोगों के काम आएगा तो मैं आपको उस वीडियो बना करके ज़रूर दूँगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।